हेलो व्हाट्स अप गेमर्स यार, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं लोकी क्राफ्ट। सो गाइस यार, लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग माइनिंग पे गए थे अपने पास वाली केव के अंदर एंड वहां से ढेर सारा आयरन और ढेर सारा कोल लेके आ गए थे। बट गाइस यार, वापस आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जो कोल लेके आया हूं और जो आयरन लेके आया हूं वो काफी ज्यादा कम है एंड इस वजह से मैं ऑफ रिकॉर्डिंग वापस उस माइन के अंदर गया एंड वहां से ढेर सारा आयरन और कोल माइन करके आ गया। तो चलो मैं चल के दिखाता हूं कि आखिर मेरे पास कितना आयरन और कितना कोल हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जितना भी कोल है सारा का सारा मैंने इसके अंदर फर्नेस के अंदर रखवा दिया है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 62 इस वाले के अंदर पड़ा हुआ है एंड दूसरे वाले के अंदर 63 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे देखो इस वाले चेस्ट के अंदर। हाँ भाई, एक चीज मैं बताना ही भूल गया। देखो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयरन कितना है। यहाँ पे 40 आयरन पड़ा हुआ है एंड एक चीज मैं ये बताना भूल गया, ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने घर को थोड़ा सा बड़ा किया। ये देखो यार, अंदर एकदम सांस लेने की भी जगह नहीं थी यार, अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एरिया बड़ा किया। पीछे भी ब्लॉक माइन करके पीछे तक ले गया एंड यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ब्लॉक की हाइट बढ़ा दी एंड उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा तुम्हारा भाई इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा के यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर लगवा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे चेस्ट वगैरह भी मैंने बना दी, मेरे को पता नहीं था बट जैसे जैसे करके मैंने बना दी एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान भी रखवा दिया है। एंड इस वाले के अंदर मैंने डिसाइड किया, मैंने इसके अंदर थोड़ा महंगे वाला सामान रखूंगा, जैसे कि आयरन हो गया और डायमंड वगैरह हो गया, मतलब जो मुश्किल से मिलता है। एंड उसके बाद भाई ये देखो, बाहर का एरिया भी मैंने थोड़ा बहुत सही किया है। यहाँ पे देख रहे हो कि कोबर स्टोन लगा दिया मैंने अच्छे से ताकि इसके थोड़ा सा लुक अच्छे हो जाए। बाकी हाँ, ये स्टोन मैं हटाना भूल गया, इसकी जगह पे मैं ये लगा देता ना तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता, बट वो मैं थोड़ा भूल गया था। एंड यहाँ पे ये मैंने एंट्रेंस थोड़ा अच्छी कर दी ताकि बंदा अगर पहली बार अंधेरे में भी आए ना तो उसका अचानक से मुंह ना भिड़े, सीधा घर के अंदर जाना चाहिए बंदा, इस वजह से मैंने थोड़ा सा सही कर दिया इसको। गाइस यार, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम करने वाले हैं और वो है एनिमल्स को पालना। हाँ, क्योंकि हमारे पास फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी है एंड साथ ही साथ हमें वूल चाहिए होगा एंड इनसे जो वो क्या बोलता है लेदर मिलता है वो चाहिए होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमें एनिमल्स को पालना पड़ेगा, बट एनिमल्स को पालने के लिए हमें चाहिए होगा फूड क्या बोलते हैं, जैसे वीट हो गया और बाकी किसी चीज़ें हो गई जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उन सबको उगाने के लिए हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी एंड फार्मिंग करने के लिए हमें इस एरिया को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। देख रहे हो भाई, यहाँ पे भाई गड्ढा तो देखो भाई, सीधा बंदा नीचे जाएगा पाताल में और फिर सीधा ऊपर जाएगा भाई साहब। इसको सब सही करना पड़ेगा एंड ये यहाँ पे कैसे फंस गई, इसको इस यहाँ पे किसने फंसाया। अरे यार चलो ठीक है, फंसा रहने दो वरना तो यार उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ये एरिया सही कर दूँ एंड उसके बाद हम लोग यहीं पर कहीं पर थोड़ा सा फार्मिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो फेंसेस लगा के एरिया बनाएंगे जिसके अंदर हम एनिमल्स को ला के पालने वाले हैं। तो चलो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डर्ट है, तो डर्ट में फटाफट एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दो लेयर लगाने वाला हूँ ताकि यहाँ पे अगर बाई चांस मैं गलती से भी माइन कर दूँ ना तो मैं डायरेक्ट नीचे ना गिरूँ, कम से कम हड्डियाँ तो नहीं टूटेंगी। भले यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डर्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी बट हड्डियाँ नहीं टूटेंगी। तो एक काम करते हैं भाई, डर्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी है, वैसे कमी तो नहीं है, माइन करना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, ये देखो यहाँ पे मैंने आयरन के टूल्स बना लिए बट अभी सारी चीज़ें मैंने आयरन की नहीं बनाई है। आयरन की छोड़ो, मैं तो अभी स्टोन की भी नहीं बनाई थी बट अभी टाइम आ चुका क्योंकि अभी मेरे को फार्मिंग भी करनी है और डर्ट भी इकट्ठी करनी है। तो उसके लिए मेरे को सवल और हो दोनों क्राफ्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, अभी हम लोग स्टोन की इस सोर्स से काम चला रहे थे बट अभी तुम्हारा भाई एकदम अमीर हो चुका है एंड ढेर सारा आयरन आ चुका है अपने पास। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से रखवाते हैं एंड अभी फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल कहाँ, ये देखो इधर पड़ी क्राफ्टिंग टेबल, अभी फटाफट से अपने लिए बनाते हैं एक आयरन की सॉर्ड एंड उसके बाद, अरे अच्छा अपने पास स्टिक की कमी हो गई है तो कोई ना भाई, स्टिक क्राफ्ट करते हैं क्योंकि अपने पास बहुत सारा वुड है। तो अभी क्या क्या बनाना था, हाँ अपने को शॉवल एक क्राफ्ट करनी है एंड एक हो क्राफ्ट करनी है एंड काफ़ी सारा माल मसाला हो चुका है। अभी इसको मैं थोड़ा सा सही से लगा देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं अपनी सॉर्ड एंड इस जगह पे कर लेते हैं अपनी शॉवल एंड इस जगह पे कर लेते हैं हो, ठीक है एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड अभी आई थिंक अपने को जो बचे कुछ आयरन है ना इनको रखवा देना चाहिए क्योंकि इनका काम नहीं है, तो मैं सारे के सारे आयरन अंदर रखवा देता हूँ। अभी फटाफट से भाग के चलना है, अरे खुल जा भाई, गेट ऑटोमेटिक लगवा के रखा है उसके बाद भी नहीं खुल रहा है। अभी भाग के चलना है, मेरे को डर्ट ढेर सारी माइन करके लानी है बस। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं घर के सामने वाली ऊंचे एरिया पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे हम लोग फटाफट से ढेर सारी डर्ट को इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पे मैंने इतना सारा एरिया क्लीन कर दिया एंड यहाँ पे ढेर सारी डर्ट अपने को मिल चुके हैं एंड आई थिंक इतने से अपना काम हो जाना चाहिए। बट वेट भाई, बातों ही बातों में रात भी होने वाली हो गई भाई यार, यहाँ पे दिन एकदम फटाफट से बीत जाता है। एंड एक काम करते हैं, फटाफट से टॉर्चेस को रखते हैं जेब के अंदर एंड यहाँ से निकालते हैं डर्ट एंड यहाँ पे 64 का पूरा स्टैक भरा पड़ा है। अभी एक काम करते हैं, इसको भी मेरे को बचाना, तो उसको मैं कैसे बचाऊँ, आई थिंक मेरे को इधर ब्लॉक लगा देनी चाहिए तो शायद से ये बच जाए।
मैं ट्राई करूंगा इसको बचाने का, ठीक है। तो गाइस यार यहाँ पे पूरी तरह से रात हो चुके हैं एंड फाइनली हमारी वो वाली शिप आजाद हो गई जो कि यहाँ पे बेचारी फंसी हुई थी, एंड यानी कि हमारा डट लगाने वाला आइडिया एकदम काम कर गया है। बट यहाँ पे जॉम्बीज आने वाले होंगे, एक सेकंड थोड़ा सा वेट ही कर लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, आज जॉम्बी वगैरह से मिल के ही जाएंगे, ठीक है। तब तक एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे अपना थोड़ा सा फूड इधर उधर चल फिर रहा है, तो फूड कलेक्ट करते जाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है ना। जब तक जॉम्बीज वगैरह स्पॉन होते तब तक अपना ये काम खत्म करते हैं। यहाँ पे रुको, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टॉर्चेस ताकि थोड़ा सा रोशनी हो जाए तो देखने में भी अच्छा लगेगा ना। तो इधर मैंने लगा दी ढेर सारी टॉर्चेस और एक इधर लगा देते हैं। बस अभी ये डट लेके अपने काम काज पर जुट जाते हैं, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जॉम्बी वगैरह स्पॉन नहीं होते हैं। जॉम्बी आ जाएंगे तो उनसे थोड़ा मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, अपना हाल चाल पूछ लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग चले आएंगे सोने के लिए क्योंकि उसके बाद अपना कोई काम वगैरह बचेगा नहीं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया भी फटाफट से भर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये सारा का सारा एरिया एकदम फिल हो चुका है। एंड ये देखो यहाँ पे, नहीं भाई मेरे को लगा ये क्रीपर है भाई, यार ये घास ने मेरे को ऐसे कंफ्यूज कर दिया, मेरे को लगा क्रीपर है। बट वेट यार, यहाँ पे कितने टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन हो, कोई स्केलेटन स्पॉन हो, बट यहाँ पे कुछ भी स्पॉन नहीं हो रहा है। पता नहीं शायद से यहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही है, इस वजह से हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पे डे हो चुका है एंड अभी हम लोग आज का काम काज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया फिल कर ही दिया है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे को क्या करना था, हाँ फार्मिंग स्टार्ट करना था। तो फार्मिंग के लिए मैं अपनी हो निकालता हूँ एंड किस साइड पे शुरू करें, इधर के साइड पे शुरू कर देते हैं। इधर नहीं नहीं, उधर एनिमल को पालेंगे, इधर की साइड पे शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये हो करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट वेट, मेरे को वाटर लाना पड़ेगा वरना ये सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ वाटर, अपने पास पहले से ही पड़ा था वाटर, तो इसको यहाँ पे करते हैं माइन एंड यहाँ पे डलवा देते हैं वाटर। एंड अभी का ये जो एरिया है ना, ये सूखेगा नहीं क्योंकि माइनक्राफ्ट में ऐसा ही होता है। इसके अंदर कुछ और नियम लगता हो तो मेरे को नहीं पता है, बट माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फटाफट से सारा का सारा एरिया मतलब माइन नहीं करना, हो करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा एरिया हो कर दिया है एंड आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि हमारे पास सीड भी तो होना चाहिए ना। तो अभी चल के देखते हैं चेस्ट के अंदर सीड वीड पड़ा है कि नहीं है, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना घास तो है ही, ग्रास तोड़ तोड़ के इसके अंदर से सीड निकालेंगे भाई अपन। अपने को यार विलेज नहीं मिला, अगर विलेज मिल जाता था ना तो बहुत ज़्यादा अपना काम इजी हो जाता, बट यार विलेज मिलना भी तो चाहिए ना। यहाँ पे एक सीड है बस भाई, एक सीड यार, इससे क्या होगा। अब यार क्या ही कर सकते हैं, बस जितना है उतने से ही काम चलाते हैं। काम करते हैं, सीड निकालते हैं यहाँ पे और इसको ले चल के लगा देते हैं फटाफट से। भाई एक सीड से ही काम चलेगा क्या यार, एक सीड था बस अपने पास। अभी फटाफट से निकालते हैं बकेट एंड पानी लेके आते हैं। यार पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है यार, आसपास कोई नदी नाला कुछ है ही नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे मैं पानी लेके आ चुका हूँ एंड अभी फटाफट से पानी डाल के सीड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, दो नहीं एक ही सीड हुआ है, एक तो फ्लावर था, बट यार एक एक सीड होगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे मेरे को ढेर सारे सीड चाहिए और यहाँ पे एक भी सीड नहीं निकल रहा है। रुको रुको, एक सीड मिला भाई, जितने मिले अभी तो उतने ही कम है। और यहाँ पे चिकन है, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं। ओ भाई पानी कहाँ जा रहा है, ओबे भाई साहब, अरे यार पानी आ जा। ये देखो यहाँ पे ढेर सारे सीड निकले इस बारी, भाई यार मज़ा आ गया इस बारी तो। अभी एक भी सीड रहना नहीं चाहिए, ये देखो यहाँ पर भी पड़े हुए हैं एंड यहाँ पे ढेर सारी ग्रास है। यहाँ पे मैं डालता हूँ पानी, यहाँ पे पक्का ढेर सारे सीड निकलने चाहिए। बट ये एक सेकंड भाई, ये पानी को क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे एक सीड निकला एंड अभी यार यहाँ पे बस एक ही निकला एंड यहाँ पे ग्रास है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे निकलना चाहिए। ओके भाई ये देखो, यहाँ पे मैंने बोला था बहुत सारे निकलेंगे और यहाँ पे ढेर सारे सीड निकले हैं। तो अभी के लिए काम करते हैं, यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं, अगर यहाँ से निकलेगा तो ठीक है, वरना जितने हैं उतने पहले लगा के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक तो निकल गया अपना और एक नहीं नहीं एक ही आ, और ये काम करते हैं, ये देखो अपने पास भाई, वाह भाई 14 सीड हो चुके हैं भाई, इतने काफ़ी रहेंगे। ये फटाफट से लगाना स्टार्ट करते हैं और ये बात मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं लगभग, मतलब थोड़े से बचे हैं, ये भी मैंने लगा दिया, ठीक है। और अपना काम हो चुका है, आई थिंक थोड़े से और मेरे को लाना पड़ेगा, तो तब तक आप लोग वेट करो, मैं फटाफट से लेके आता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं ढेर सारे सीड लेके वापस से आ चुका हूँ। बट यार वापस आते आते यहाँ पे पूरी रात ही होने को आ गई, बट यहाँ पे कोई ना, अपने जितने भी सीड लेके आए सभी के सभी फटाफट से लगा देते हैं क्योंकि दिन होते ही अपना उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे सीड लगा देता हूँ, भाई इतने से ही थे यार, इनको इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। तो अभी अपना फूड बार भी खत्म होने वाला, तो फटाफट से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं एंड चलते हैं फटाफट से सोने के लिए। वापस से गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पे डे हो चुका है एंड अरे यार, अरे भाई निकलने दो मेरे को, अभी चल के देखते हैं अपना खेत का काम काज कैसा चल रहा है।
हाँ तो यहाँ पे अपनी फसल लग चुकी है, बट ये देखो थोड़े वाले उगना स्टार्ट हो चुके हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे। एंड अभी एक काम करते हैं, ये मैं थोड़ा सा ये भी लेके आ गया था, यहाँ पे जो फूल पत्ते मिलते हैं ना, ये सारे के सारे फ्लावर लेके आ गया मैं। तो यहाँ पे एक थोड़े से और फ्लावर हैं, ये सारे के सारे मैं साइड में लगा देता हूँ डेकोरेशन के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा लुक लगेगा बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा लगने लग गया अपना ये फार्मिंग एरिया, एंड इधर की साइड में भी लगा देते हैं, ठीक ठाक लगेगा बस। तो गाइज यार अभी हमारे फार्म की कुछ ऐसे सी लुक हो चुके हैं, देख के बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ तो जैसे ही हमारे ये फार्म का जो वीट है ये उग जाएगा, उसके बाद हम लोग वीट तोड़ देंगे एंड फिर हम लोग ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पे ला पाएंगे। एंड उससे पहले हमें यहाँ पे फेंसेस वगैरह लगानी पड़ेगी, जो कि हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गलती से भी आपसे नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।